अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज सुबह की शुरुआत हो चुकी है, मैं उठ चुकी थी जल्दी और बच्चों के लिए मुझे नाश्ता बनाना था। फटाफट मैं पराठे बना रही हूँ, एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी हूँ और बच्चों को थोड़ा पहले उठा ले रही ताकि वो अच्छे से फ्रेश हो जाए और उनको मैं गर्म गर्म पराठे और चाय दे देती हूँ। तो सुबह सुबह नाश्ता करके अपना मदरसा चले जाते हैं, वो मदरसा चले जाते हैं, फिर मुझे बाकी खाने की तैयारी करनी पड़ती है, बच्चों के टिफ़िन वगैरह की, शोहर के टिफ़िन की। आज मैं आपके साथ में ईजी भुर्जी की रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत झटपट बन जाती है। अगर आपका टाइम ना हो, एंड टाइम पे आपको कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या बनाना है, तो आप वो भुर्जी की रेसिपी आप बना सकते हो, बहुत ही आसान है। मैं पराठों पे घी लगा रही हूँ, बच्चों को फटाफट नाश्ता दे दूँगी। आज मैं आपके साथ में ड्रेस डिज़ाइनिंग भी जो मैंने की हूँ, घर में सिली थी कपड़े, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। एक कॉटन के पाकिस्तानी प्रिंटेड सूट है, रेप्लिका है, ये ओरिजिनल नहीं है। और मैं इसके साथ में इसकी जो डिज़ाइनिंग की हूँ मैंने, वो भी आपको दिखाऊंगी, बहुत ही सिंपल बहुत ही ईजी डिज़ाइनिंग की हूँ। देखिए मैं भुर्जी बना रही हूँ, मैं तेल गर्म करके उसमें जीरा डाल दी थी और प्याज टमाटर और दो मिर्ची और करी पत्ता, ये सब साथ में मैंने डाल दी हूँ। ये बहुत ही झटपट बन जाती है भुर्जी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस हमें 2 से 3 मिनट फास्ट आँच पर इसे अच्छे से भूनना है। हल्दी और जीरा पाउडर मैं डाल दी हूँ, फिर जब पानी सूखने आए तो इसमें अंडे फोड़ दीजिए, जितने आपको अंडे चाहिए क्वांटिटी में आप उस हिसाब से फोड़िए। मैंने इसमें 4 अंडे डाली हूँ, अंडे होने के बाद फोड़ने के बाद इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट फास्ट पर अच्छे से रखिए, फिर इसको 5 मिनट या 3 मिनट दम पे ढक्कन ढक के उसे छोड़ दीजिए। सुबह सुबह ये आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, तो बस मैंने ऐसे ही भुर्जी बना दी, क्योंकि मुझे ऑलवेज काम था, दूसरे काम भी थे, इसीलिए मैंने फटाफट झटपट भुर्जी बना दी। और देखो मैं आपके साथ में गुड़ वाली चाय की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जब से मैंने वेट लॉस की, दूध पत्ती वाली चाय बिल्कुल नहीं पीती हूँ। मैंने 1/2 कप दूध ली हूँ और ये जो छोटा कप है वो भर के मैं पानी डाल रही हूँ, मतलब थोड़ी पतली चाय है। दूध पत्ती से क्या होता है ना, वजन बहुत जल्दी बढ़ता है, वो हमें उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। मैं थोड़ी कड़क चाय पीती हूँ, तो बस मैं अपने 1 कप चाय बना रही हूँ। नॉर्मल चाय जैसे बनती है वैसे ही ये बनेगी, बस इसमें इतना फ़र्क है कि लोगों को कह ना गुड़ डालने से चाय फट जाती है, लेकिन मेरा दूध डालने से नहीं, गुड़ डालने से नहीं फटती है, क्योंकि जब चाय में उबाल आ जाता है उसके बाद मैं गुड़ डालती हूँ। देख, जैसे आप देख सकते हो, उबाल आने से पहले आप डालोगे ना तो दूध फट जाएगा आपका। मैंने आप लोगों के साथ में इससे पहले वीडियो में अपनी ड्रेस दिखाई थी जो पाकिस्तानी रेप्लिका है कॉटन के प्रिंटेड, तो मैंने उसको सिल दी हूँ और उसको प्रिंटेड है, मुझे घर में ही पहनना है, इसीलिए मैंने उसको सिंपल सा लेस के साथ में काम कर दी हूँ। देखो आपको मेरी सिंपल सी ड्रेस डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी। मैं ईद जो है गर्मियों में आने वाली है, इसलिए मैंने सिंपल कॉटन का प्रिंटेड ड्रेस ली हूँ, हैवी ड्रेस नहीं ली हूँ, क्योंकि वो पहनने में नहीं आते हैं, क्योंकि गर्मियाँ हो रही है तो कॉटन और लिनन नहीं होता है जो हम कंफर्टेबल पहन सकते हैं। लेकिन जो प्रिंटेड कपड़े हैं, इसको मैं थोड़ा सा लुक चेंज करने के लिए इसमें लेस का मैंने काम कर दी हूँ, तो आपको मैं दिखाती हूँ कि इसको मैंने कैसे करी हूँ डिज़ाइनिंग प्रिंटेड कपड़ों को। ये देखिए, ये इसकी शर्ट का कपड़ा है, मैंने वी शेप में इसका गला बना दी हूँ, ये ऐसे पीछे मैंने इसका गला बना दी हूँ और इसके ये स्लीव्स बना दी हूँ, मैंने स्लीव्स के साइड में ऐसी लेस डाल दी, मतलब ये हमारे इस तरफ यहाँ जो हिस्सा है इस पर इधर जॉइंट से लेके यहाँ तक उधर ही लेस का ये पैटर्न है उस तरफ है। ये सेटिन ले ली थी, एक इंच का सेटिन है, ये रिबिन सेटिन की, और ये रिबिन लेके मैंने कम 6 से 7 मीटर मैंने आई थिंक ली थी, और उसमें मेरा पैंट भी सिल गया और कमीज़ में भी पूरा काम हो गया। इससे मैंने सेटिन के एंड में लगा के इसमें जो लेस है ब्राउन कलर की, तो उसमें ब्राउन देखी, इसमें ब्राउन कलर का भी कॉम्बिनेशन है, तो मैंने ब्राउन कलर की छोटी सी ऐसी कॉटन की लेस लगा के इसे सिंपल लुक देने की कोशिश की। दामन में भी मैंने इसे साइड में ऐसा दामन तक पूरा लंबाई में सिंपली मैंने इस दामन तक इसको पूरा नीचे से लगाते हुए दामन तक मैंने घुमा ली, नीचे के साथ साथ यहाँ ऊपर भी थोड़ा सा डिज़ाइन दे दी, ऊपर लेस डाल दी एक्स्ट्रा यहाँ नीचे, और ये जो सेटिन की पट्टी है ये तो है ही, लेकिन ऊपर मैंने तो एक लेस डाल के थोड़ा सा ऐसा पैटर्न बना दी। बाकी जो पैंट है वो एकदम से सिंपल है, और पैंट में कुछ नहीं एक्स्ट्रा, और इसका दुपट्टा है कॉम्बिनेशन, तो मैंने ये कॉम्बिनेशन का सोच कर ही मैंने ये सेटिन की पट्टी ली थी, ताकि कॉम्बिनेशन बैठ के ये ड्रेस पर अच्छा लगे, क्योंकि जो ड्रेस का जो मेन कलर है ना बहुत लाइट है, इसमें कॉम्बिनेशन थोड़ा डार्क कलर के दिए, ब्राउन है, डार्क ब्लू कलर है, तो मैंने वैसे ही कलर कॉम्बिनेशन में लेसेस लेके इसमें काम करी। वीडियो में शेयर की थी मैंने, ये ब्लैक ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन में है, और ये बांधनी पिन का ड्रेस है, ये देखिए बांधनी पिन है ये, तो मैंने इसमें ऐसे ऑरेंज कलर गले में कॉम्बिनेशन ब्लैक है ये,
तुमने ऑरेंज कलर के ऐसे कॉटन की लेस डाल के ऐसे कॉम्बिनेशन में इसका मैंने लेस डाल दी हूँ। मैं अच्छे से देखिए आपको दिखाती हूँ, ये बटन डाल दी मैंने ये इधर, इसको जो लेस का जो ये है यहाँ लेस डाल के लेस की मैं अच्छे से फिनिशिंग डाल दी हूँ। लेस डाल के मैंने बीच में ब्लैक कलर के बटन डाल दिए, अच्छा लगेगा। इसके साइड में मतलब जॉइंट्स, ये जो जॉइंट है हमारा आस्तीन का, इससे थोड़ा ये जो जॉइंट है शोल्डर का, इसके बीच में यहाँ से मैंने लेस डालना स्टार्ट की हूँ और मैंने इसको एंड तक लेके गई। ये देखिए एंड तक मैं इसको लेके गई पूरा स्लीव्स में। आप देख स्लीव्स भी आपको दिखा देती हूँ मैं, इसे मैंने बहुत सिंपल काम की हूँ, बस ऑरेंज लेस का काम कर दी हूँ। ये देखिए इसलिए मैंने पूरा नीचे तक लेस को ले गई। लेकिन जो पैंट है ना मैंने छोटे छोटे पाइचा की नहीं बनाई हुई, मैंने कहा जो पाइचा है ना वो थोड़ा बड़ा लिया, सिर्फ प्लेन मैंने बना दी हूँ, इसमें कोई काम नहीं, कोई लेस का काम नहीं है। और इसका ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन में दुपट्टा है, कॉटन की लेस है, स्लीव्स को लगा दी हूँ मैंने, इसी में बीच में ही मैंने इस लेस लगवाई हूँ। वो जो दो ड्रेसेस थे उसको मैंने सिल दी थी, ये मैंने बाहर दी थी क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं सारे ड्रेसेस घर में सिल सकूँ। लेस की जहाँ शॉप थी वहीं से मुझे ऐसा ये गले का बॉर्डर पूरा पैच तैयार मिला था, मैंने वो लेके इस ड्रेस में तो गलवा दी थी। नीचे तक यहाँ तक ये थोड़ा चौड़ा है, मतलब साइड की चाक की मेरी कोई लेस है जिसका काम कर रहा है, साइड की चाक लेस का दुपट्टा है कॉम्बिनेशन में वो ड्रेस का, और ये मतलब बिस्किट कलर, लाइट बिस्किट कलर की तरह की शलवार है। देखिए मैंने इसको ऐसे डिज़ाइन करवाई थी, ये लेस है एंड में, और इसी तरह ये भी बीच में लेस का काम जैसे आस्तीन में करवाई थी मैंने, उसी तरह मैंने पांचों में भी करवाई हूँ। और इसका पाइचा भी मीडियम है, बहुत ना ज़्यादा छोटा है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा है प्लाजो की तरह।